गाइस प्लानिंग कुछ ही हो कि मुझे पता नहीं कि मेरा सरप्राइज क्या है। मैं खड़ी हूँ लेकिन मेरी आंखों पर पट्टी बंधेगी और पट्टी बनने के बाद सरप्राइज दिया जाएगा। अभी तक तो ये खचाड़ा सा घर है जो कि बहुत ही खचाड़ा है। इसमें गाइस आप लोगों को बताओ मेरी एक फैन मिली है और ये जो है मेरे सारे व्लॉग डाउनलोड किए हुए इन्होंने। भाई बाप आप मुझे देखे मेरे सारे व्लॉग डाउनलोड किए हैं। भाई थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार देते हैं। थैंक यू। जिसके लिए मैंने कपड़े रख लिए और मैंने जूते रख लिए हैं। अच्छा कपड़े तो मेरी मैक्सी है मेन असल, लेकिन हम लोगों ने रात में एक इवेंट पर भी जाना है तो मैंने उसके भी कपड़े रख लिए क्योंकि जो हमने भर लिए मैंने सोचा हम भाई रेडी हो जाएंगे क्योंकि वहाँ जाना उस इवेंट पर भी बहुत ज़रूरी है। वहाँ से बहुत खास इन्विटेशन आया हुआ है। तो खैर अभी मैं जा रही हूँ शाना ब्यूटी सैलून क्योंकि वहाँ पे मैंने पहले अपना ब्राइडल मेकअप कराया था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था और मैं तब मोटी थी, तब उन्होंने मेरा ब्राइडल शूट किया था। तो अब जो है मैं उनके पास जा रही हूँ अपने मेन इवेंट्स के मेकअप करने के लिए। मैंने उनको जो है वो चूज़ किया है कि मतलब मैं उन्हीं से जो है ना मेकअप्स वगैरह करवाऊँगी। खैर लेट्स सी कि आज प्रपोजल शूट है वो कैसा मेकअप करें। बस मैंने उन्हें ये बोला है कि आप ना डार्क मेकअप मत कीजिएगा क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरे जो व्यूअर हैं कि मुझे लाइट मेकअप पसंद है और जो है क्या बोलते हैं। बस मैं वहाँ जा रही हूँ, जाकर बस उनसे मिलती हूँ और देखते हैं कैसी लगती हूँ। आज मेरा ड्रेस भी आ गया है और ड्रेस के जितनी भी डिटेल्स है वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिलेगी और आधी अपडेट्स आप लोगों को मेरे स्नैपचैट पे मिलेगी। तो इस व्लॉग को सबसे पहले लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस मैं निकल रही हूँ, सो मिलते हैं सैलून में जाके। भाई ये वाला मेरा ड्रेस है बट ये है कि ये ड्रेस पहनने के बाद कैसा लगता है मुझे नहीं पता। मैं निकल रही हूँ, अभी गर्मी में भी बहुत खा रही हूँ, चक्कर आ गए बहुत ज़्यादा लेकिन इन्जॉय वाला जो लोकेशन पर नहीं आ पाए थे तो खैर अब आ गए और मैं निकल रही हूँ सैलून के लिए। मुझे बैग भी नहीं मिला जल्दी जल्दी में, मैंने इन शॉपर्स के अंदर ही जो है वो सामान घुसा दिया क्योंकि बैग ही नहीं मिल रहा था और सब कल के इतने बुरे थके हुए सो रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी किसी को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लग रहा था जबकि मम्मा पापा उठे हुए थे और बाबा ही नीचे छोड़ने के लिए आए थे। पापा भी थके हुए ही थे बट मैंने कहा यार रहने दो, पापा को भी तंग नहीं करती। बाकी मेरा ये वाला ड्रेस है, अब ये पहनने के बाद कैसा लगता है मुझे नहीं पता। वैसे तो दिखने में मुझे सही लग रहा है बट ये पहनने के बाद कैसा लग रहा है, नीचे से तो काफ़ी ज़्यादा फ्रिल वगैरह लगा हुआ हैवी है बट पहनने के बाद अल्लाह करे बहुत प्यारा लगे और बहुत खूबसूरत लगे। और मैंने इसे लूज सिलवा दिया इसलिए मुझे टेंशन हो गई। सो फाइनली मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच गई हूँ राबे ब्यूटी पार्लर पे। ओ माय गॉड, शाना के पास मैं आ चुकी हूँ अपना मेकअप करवाने के लिए और अब वो मेरा मेकअप स्टार्ट करी। लेट्स सी, झाग दिया मैंने। हाँ, अब देखते हैं कि वो मेरा मेकअप कैसा करती हैं। वैसे तो मुझे ट्रस्ट है तभी मैं यहाँ पर आई हूँ लेकिन मुझे डार्क मेकअप नहीं चाहिए और मुझे बहुत जो मेरा फाउंडेशन अच्छा, मुझे स्टिक्स वाला बेस चाहिए और जो फाउंडेशन लगाएंगी वो बहुत सॉफ्ट चाहिए, मज़े वाला। सो लेट्स सी कि क्या होता है। अभी हमारा मेकअप शुरू होने जा रहा है, अब देखते हैं हम लोग। सो थैंक यू सो मच इतना प्यारा तैयार करने के लिए। अब मैं जा रही हूँ, ठीक है। अब तो वैसे भी आपका नया पार्लर बनेगा तो वहाँ आऊँगी। तुम यहाँ से जाओगी ना तुम्हारे सीधे हाथ पे पड़ेगा आगे जाकर, थोड़ा सा आगे जाकर जहाँ कंस्ट्रक्शन का मेरा काम चल रहा है का, फिर देखना तुम। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सो गाइस अब आप लोग को हमेशा बताया मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही होंगी। वैसे तो एंड्राइव में जा रही हूँ, लारे लेने के लिए आ रहे थे बट मैंने उनको बोला आप नहीं आए, हमें ऑलरेडी बहुत लेट हो गए क्योंकि 4:30 हो गए, हमें वहाँ पहुँचते टाइम लग ही जाएगा लेकिन बस हमारा शूट अच्छा हो जाए यार, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तैयार होने के बाद मैं कैसी लगती हूँ? उतरोगी तो देखो मैं ना। सही से फिर भी बंदा तारीफ तो कर ही देता है, और से देख के तारीफ करूंगा। और से देख के तारीफ करूंगा। ये क्या पहना है आपने? वेटर ना, वेटर है। खूबसूरत वेटर लग रहे हैं, बाल शाल तो देखो। ओ माय गॉड,
तो अभी जो है पूरे पूरे 5:10 हो गए और हम दोनों को बहुत ज्यादा लेट हो गया। अच्छा अभी रोशनी तो होती है 6:30 तक, नहीं सॉरी 7:30 तक रोशनी होती है, तो टाइम है अभी, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा धड़कता धड़कता सूरज हो रहा है। बट लारिफ कह रहे तुम्हारी वजह से हमारा शूट नहीं हो सकेगा, मतलब हम लोग लोकेशन पे आ गए बराबर वाले फार्म हाउस पे, यहाँ पार्टी शार्टी चल रही है भाई, मुझे लग रहा है हमारे इंतजार में पार्टी तो नहीं चल रही। अस्सलाम वालेकुम, कैसा हुआ डेकोर, कैसा हुआ? अच्छा हुआ डेकोर हमारे लिए, डेकोर मैं सोच रही हूँ हम भी इधर ही, यार लारे हम भी कर सकते हैं इधर यार, लेकिन बहुत मजा आएगा, मेरा बड़ा तिरचारा दोस्तों वाली पार्टी करने का यार, कितना टाइम हो गया, मैं तो सोच रही हूँ इसमें ऊँट पे भी बैठ जाऊँ मैं। गाइस प्लानिंग कुछ ही हुआ है कि मुझे पता नहीं कि मेरा सरप्राइज क्या है, मैं खड़ी हूँ लेकिन मेरी आंखों पे पट्टी बन जाएगी और पट्टी बनने के बाद सरप्राइज दिया जाएगा। अभी तक तो ये खचाड़ा सा घर है जो कि बहुत ही खचाड़ा है, इसमें रघु भाई समझाते हुए क्लाइंट को। सारा सामान हम लोग लेकर आए हैं और हमारा शूट डन हो चुका है, अब हम लोग हमारे नेक्स्ट इवेंट में यहाँ पे गाने चले, मैं व्लॉग नहीं बना सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो गाइस हमारा शूट इतना कोई आदम शूट हुआ है, बहुत अच्छा शूट हुआ है, मुझे लगता है कि हमारे बाकी सारे इवेंट्स के इतने अच्छे शूट नहीं हो सकते, क्योंकि हम जो पानी में कूदे वही कूदे, जब रील में डालूंगी ना तब आप लोग दिखेगा, एंड 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 लेवल का शूट हुआ, एंड लेवल का बहुत खतरनाक। अच्छा इसमें कि वहाँ में जो है ना जल्दी दे दे रील, क्योंकि हम रात नहीं पोस्ट करते, वो इसलिए क्योंकि सुबह मेरा ब्लॉग डल जाएगा, तो BTS तो सुबह लोग देख लेंगे, तो मैं चाहती हूँ उससे पहले रील डल जाए, तो मुझे बात करनी पड़ेगी। खैर बहुत 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 मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया। अब हम जा रहे हैं इमरान के घर, क्योंकि हमने जो है कि भी जाना है इमरान के साथ, तो क्योंकि यहाँ से नियरेस्ट वही है और जहाँ जाना है इमरान के घर से नियर है, क्योंकि दावत वहीं से आई है, तो बस अभी हम वहाँ जाके, वहाँ जाना इतना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बस इसलिए जा रहे हैं, वरना इतना थक गए हैं मैं और लारे बहुत ज़्यादा ज़्यादा। एंड में तो लारे बोल रहे थे कि बस कश्यप उनको भी बोले, और बाकी जो मेरे मियाँ ने कोरियोग्राफी करी, ओ माई गॉड, मतलब क्या भाई, बंदे ने तो हर एक्शन एक एक एक्शन, अब जाके लारे थोड़ा खुलना शुरू हुआ, वरना तो मैं परेशान आ गई थी इस आदमी से, हद से ज़्यादा परेशान आ गई थी मैं। अस्सलाम, और ऊपर ले लेते आसमान पे ले लेते, अरे वाह वेरी नाइस, क्या हाल है, हालत देख रहे हैं क्या हाल है, क्यों थक इतनी हालत, यही क्या किया है, सी साइड माशाल्लाह सारी जगह साफ करके आ रहे हैं। चलो जो बात है भाई, आप लोगों को बताऊं मेरी एक फैन मिली है और ये जो है मेरे सारे व्लॉग डाउनलोड किए हुए इन्होंने, बाप बाप आप लोग देखे मेरे सारे व्लॉग डाउनलोड किए हुए भाई, देखा लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, देख लिया आपने, गाइस हम लोगों ने अभी अभी खाना खाया है, पहले हम लोगों ने बहुत लड़ा बहुत लड़ा बहुत लड़ा, फिर उसके बाद हम खाना खाने गए, लड़ने के बाद भी, क्योंकि हम लोग सुबह के बहुत थके हुए थे और रोल समोसा ही खाया हुआ था और सुबह का कुछ नहीं खाया हुआ था, वहाँ पे
शाना ने मेरे लिए बिरयानी मंगाई थी, बट मैंने एक बाइट से ज़्यादा खाया ही नहीं, क्योंकि मुझसे खाया नहीं जा रहा टेंशन में। और दूसरी चीज़ अभी हमने दोबारा बिरयानी खाई, सुकून मिल गया दिल को, कलेजे को ठंडक पड़ गई। और मैंने फिर उसके बाद अब अपने लिए आइसक्रीम ली, लारेब ने भी आइसक्रीम ली और मैंने भी ली है। और अब फाइनली मैं घर जा रही हूँ। आयत के ड्रेसेस आ गए हैं जो हम पसंद करके आए थे उस दिन, तो बड़ी एक्साइटेड है ड्रेसेस के लिए। मुझे कल से बोल रही है मेरे ड्रेसेस कब आएंगे, मेरे ड्रेसेस कब आएंगे। सुबह से इसी ने इतना तंग किया, ट्रिप पर ट्रिप किए जा रहा था, इतनी मुश्किल से हम वहाँ पहुँचे, हमारा पूरा शूट निकल गया, आते हुए फिर एसी ही बंद हो गया, मतलब क्या। हेलो गाइस, तो मैं घर आ चुकी हूँ, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। और आज का दिन बहुत बहुत ज़्यादा हैक्टिक था, क्योंकि इसलिए हमारा शूट भी था, फिर मैंने तैयार भी होना था, फिर बहुत सारी चीज़ें थी। इस चक्कर में आप लोगों को पता है मेरे साथ क्या सीन हुआ, जो आज ढोलकी है उसका ड्रेस ही नहीं आया, क्योंकि सारी चीज़ें मैनेज करना मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और मेरा ड्रेस ही नहीं आया, और वो ड्रेस आएगा कल 2 बजे, और मुझे सुबह 11 बजे पार्लर तैयार होना जाना है, क्योंकि मुझे 3 बजे शूट की जगह पे पहुंचना है। और नीचे सारी चीज़ें आ चुकी हैं, क्योंकि मैं ना टेंट लगवा रही हूँ, मैंने कोई हॉल वगैरह नहीं लिया, क्योंकि बजट मेरा बहुत ज़्यादा आउट हो रहा था, तो इस वजह से मैंने अपने बजट में रहते हुए ही चीज़ें रखी हैं। कहना ये था कि मेहंदी भी नहीं लगी, क्योंकि शूट की वजह से, क्योंकि वो शूट बहुत इंपॉर्टेंट था, और उस शूट से पहले मेहंदी नहीं लगवा सकती थी, क्योंकि हाथों को जूम करके रिंग पहनानी थी। और माशाल्लाह से आप लोगों को मैं रिंग दिखाती हूँ कि लारेम ने मुझे बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत रिंग भेजी है, और मेरे साइज़ की कोई रिंग नहीं मिलती अब, तो इसलिए रिंग जो अदीक भाई से मैंने ली है, उन्होंने इसके ऊपर जो है लगाया हुआ है, ये रिंग पे लगा के पहन लेते, तो इससे ही होता है कि आपकी रिंग छोटी नहीं होती। खैर अभी बज रहे हैं, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या टाइम हो रहा है, ये चेक करें आप लोग। मतलब अभी बज रहे हैं 3 तारीख और 20 सितंबर, क्योंकि 20 सितंबर को मेरी ढोलकी है, मतलब रात के 3 बज रहे हैं। और मैंने अभी अभी अर्जेंट में एक मेहंदी वाली को बुलाया, क्योंकि मेरी मेहंदी नहीं लगी है और मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, तो खैर वो मेहंदी वाली आ रही है और वो मेरी मेहंदी लगाएगी, साथ साथ मैं व्लॉग भी बनाऊँगी। खैर ये वाला व्लॉग तो मैं एंड कर रही हूँ, आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। और आज मैं इतना ज़्यादा खुश हुई हूँ, मैं आप लोगों को अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकती, क्योंकि लारेम ने मुझे, मतलब ये पहला तोहफा है निकाह के बाद जो लारेम ने मुझे दिया है, क्योंकि लारेम ने मुझे नहीं दिया था तोहफा कोई भी ऐसा, और ये पहला तोहफा है। और लारेम ने मेरे लिए एक और चीज़ भी ले ली है, मतलब मेरी मुँह दिखाई भी ले ली इस चीज़ के साथ ही लारेम ने मुझे दिखाया, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मैंने कहा वाह, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। आया जल्दी से कमरा समेटो, मेहंदी वालियाँ आ रही हूँ, फटाफट कमरा समेटो और मेरे मुँह पर क्रीम लगाओ और मेकअप उतारो जल्दी से, सुबह टाइम नहीं होगा। तो अभी आया से मेकअप साफ करवाऊँगी, इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ। और अंगूठी आप लोगों ने देख ली है, ये देखो दोबारा से दिखा रही है, देखो, और इतना खुश हूँ। एक बात बताऊँ, मियाँ की बीवी जो चीज़ होती है ना, मतलब, और शाना ने मेरा मेकअप इतना खूबसूरत किया था, इतना खूबसूरत मेकअप किया था कि मैं इमरान के घर गई हूँ, मेरे बालों में बहुत ज़्यादा जो है ना स्प्रे लगा हुआ था, क्योंकि मेरे बाल सेटल हो ही नहीं पा रहे थे। अगर आप लोगों को उनके पार्लर जाना है तो मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बाकी इंस्टाग्राम पर रील डालूँगी तो वहाँ पर भी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी मैंने वीडियो में भी, जहाँ उनके पार्लर की मैं वीडियो बना रही थी, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को नज़र आ ही गया होगा, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे भी नंबर कर सकते हैं। अच्छा वो ना, वहाँ पे ऐसे लोग आते हैं, वो लोग बहुत डार्क मेकअप करवाते हैं, तो मुझे बहुत लाइट पे चाहिए था मेकअप, और उन्होंने मेरा इतना अच्छा किया, अभी तक आप लोग दिखा सकते हैं मेरी ओरिजिनल स्किन, और शूट पर भी इतना प्यारा लग रहा था मेरा मेकअप, लिटरली बहुत, वीडियो में थोड़ा यहाँ से ना शार्प नज़र आ रहा था, क्योंकि हाईलाइटर वगैरह, क्योंकि लाइट मुँह पर बहुत आ रही थी, फिर धूप में भी, बट मैं कहती हूँ इतना हसीन मेकअप किया है, ओ माय गॉड, आई लव यू शाना। अगर आप ये वीडियो देख रही हैं, आपने बहुत अच्छा मेकअप किया और दिल खुश हो गया। खैर ये व्लॉग यहाँ एंड हो रहा है, इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा प्लीज़ गाइस। बार बार बोल रही हूँ कि मेरी, अगर मेरे इवेंट हो रहे तो अगर आप लोगों को मुझे गिफ्ट देना है तो मेरे व्लॉग में बहुत सारे कॉमेंट्स करो और मेरे व्लॉग को लाइक 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 करो, आई लव यू। और मैं बहुत खुश हूँ, और अभी मेहंदी लगाऊंगी, अब आप लोगों को मेहंदी ढोलकी का ब्लॉग मिलेगा, मेहंदी के साथ ढोलकी तक का।